दोस्तों मेरे पास जियो का 220 मॉडल है। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है कि इसमें जो है चार्जिंग बनाते बनाते माइक ख़राब हो जाता है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसकी चार्जिंग ख़राब है, चार्ज नहीं हो रहा। कनेक्टर को लगाना कैसे है, बड़ा सरल सा तरीका है। मैंने एक बार जो है इसकी चार्जिंग बनाई थी, तो कई लोगों ने बताया था कि सर इसका माइक ख़राब हो जाता है चार्जिंग बनाते बनाते, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चार्जिंग लगाते समय जो है कुछ लोग याद ध्यान नहीं रखते, यहाँ पे से हीट मार देते हैं जहाँ पे नीचे माइक लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही हीट मारी जो है तो मोबाइल ख़राब हो जाता है माइक। सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ऐसे आपको फोन रख लेना है तो ऐसे दबा कर रख लेगा, ठीक है। सिंपली जो है आपको ऊपर से SMD से हीट मारनी है। हल्का सा पेस्ट डाल देना है, इसको साफ कर लेना। इसके प्रिंट क्लियर होने चाहिए दोस्तों, कि मैं बता दूं, अगर ये आपके जो है ट्रैक टूटे हुए हैं DMDP के, तो यहाँ से आप जो है प्लस का ये है, DM ये है और DP ये है। अगर ये ट्रैक सही नहीं है तो आपकी चार्जिंग तो चलेगी लेकिन बैटरी स्टोर नहीं करेगा दोस्तों, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो सही तरीके से आप जो है याद करिएगा चार्जिंग बनाते समय खास करके। तो दोस्तों हल्का से पहले आपको जो है यहाँ पे इसको क्लीन करने हैं, एक नया कनेक्टर निकालने हैं। तो नया कनेक्टर ये दोस्तों, इसकी पिन को जो है पेस्ट डालकर पहले से ही सोल्ड करना, ठीक है। ये मैंने इस तरह किया ताकि कनेक्टर ऑटोमेटिक बैठ जाए। सिंपली दोस्तों पहले आपको कनेक्टर यहाँ पे ऐसे रख लेना है, ठीक है, और यहाँ पे चारों साइड हीट मारनी है आपको, ठीक है। जैसे ही रंगा जो है दिखे कि अब पिघल गया है, तो सीधा सिंपली ही आपको कनेक्टर उठाकर ऐसे वो कर देना है, बस हो गया। ये दोस्तों मैंने कनेक्टर लगा दिया, कितना आसान था लगाना,
और देखिए बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया है। हाथ की सफाई चाहिए इसमें दोस्तों। और देखिए ऊपर से हीट करने पे जो है ना ही माइक ख़राब होगा ना ही आपका कोई कीपैड ख़राब होगा और चार्जिंग भी ओके हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो जो है डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों।